गन्ना मूल्य घोषित किए जाने पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर के किसान 26 नवंबर को राजभवन कूच कर अपनी समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि 24 नवंबर से डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ना समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, जिसकी वजह से किसानों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं किसानों की मांग है कि इस सत्र में गन्ना का मूल्य 500 रुपए क्विंटल किया जाए और पेराई शुरू होने से पहले ही सरकार द्वारा इसकी घोषणा की जाए। साथ ही किसानों ने गन्ना समिति से समय पर गन्ना पर्ची दिए जाने की मांग भी की। हमारी मिल का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन पिछले दिनों में मैंने देखा कि ये उद्घाटन किसान में गन्ना मंत्री ने किया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें गन्ने किसानों के लिए की गई, लेकिन गन्ने की रेट की घोषणा नहीं हुई। आज मैं देखता हूँ कि कल डोईवाले के उद्घाटन के समय पर भी इसी तरह अगर हुआ तो हम इसका आंदोलन करेंगे और हम इसको उद्घाटन नहीं मानेंगे। मिल में गन्ना क्रेन में गन्ना डालने से पहले रेट की घोषणा होनी चाहिए। और दूसरा बात यह है कि हमारे सोसाइटी में एक ऐसी धांधली चल रही है कि जिससे किसानों को बहुत बड़ी परेशानी होगी। उनकी पर्चियां जैसे पहले चलती थी उसी तरह से चलनी चाहिए। हमारी यहां पर दो मांगे हैं, एक तो मिल चलने से पहले पर्चियों का घोटाला ख़त्म किया जाए, पर्चियाँ उसी तरह से दी जाएँ जैसे पहले थी। और 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राज्यपाल महोदय से मिलने का, उनको ज्ञापन देने का प्रोग्राम है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के किसानों के कई लीडर पहुंच रहे हैं और देहरादून में एक जगह एकत्रित होके हम सब राजभवन की तरफ चलेंगे और जाकर के अपना ज्ञापन राज्यपाल महोदय को देंगे। किसान के मूल्य की भरपाई तो 600-700 रुपये कुंटल से भी नहीं हो पाएगी। खाद, बीज, लेबर, डीजल हर चीज़ महंगी है, लेकिन कम से कम अगर गन्ने की बात करें तो 500 रुपया कुंटल तो गन्ने का मूल्य बढ़ता ही है किसान को देना, जो कि सरकारें बिल्कुल आंख मीच कर बैठी हैं, किसान की तरफ देखना नहीं चाह रही।